नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रूमा और मेरी चैनल में सभी की स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं बनाने वाली हूँ बिना अंडे की केक। सिर्फ एक कप गर्म दूध से हम यहाँ पे बनाएंगे बहुत ही स्पॉन्जी और फ्लफी केक, जिसे हम बिना अंडे के बनाएंगे और बिना ओवन में कढ़ाई में बनाएंगे। आप चाहे तो इस केक को प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं। और देखिए कितना बढ़िया स्पॉन्जी केक बन के रेडी हो गया है, कितनी आसानी से इसके कटिंग हो रहा है। केक बहुत ही अच्छे से यहाँ पे बेक हो गया है, आप चाहे तो माइक्रो ओवन में भी इसे बेक कर सकते हैं। तो चलिए रेसिपी को हम बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए यहाँ पे मैं ले लेती हूँ 2 कप दूध। आप यहाँ पे 1 कप दूध भी ले सकते हैं, पर मैं यहाँ पे थोड़ा बड़ा केक बनाने वाली हूँ इसलिए 2 कप दूध ले रही हूँ। और दूध यहाँ पे रूम टेम्परेचर में है। दूध में हम डाल देते हैं 3 बड़े चम्मच बटर। तो ये अमूल की सॉल्टेड बटर है, आप चाहे तो अनसॉल्टेड बटर भी डाल सकते हैं। दूध को हम मीडियम हीट में उबाल आने तक इंतजार करते हैं। दूध में उबाल आ गया है और बटर भी दूध के साथ घुल मिल गया है, तो फ्लेम को हम स्विच ऑफ कर देंगे और दूध को हम हल्का सा ठंडा होने देंगे। तो दूध को हमें गर्मा गर्म यूज नहीं करना है, दूध को हल्का ठंडा होने देना है और हल्का गर्म रहते ही हमें दूध को इस्तेमाल करना है। दूध को पूरी तरीके से ठंडा भी नहीं होने देना है। तो चलिए, जब तक हमारी दूध ठंडा हो रहा है तब तक हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है एक राउंड केक टीन। अगर आपके पास लंबाई वाला केक टीन है तो बहुत अच्छा है, पर मेरे पास नहीं है तो इसलिए मैं राउंड केक टीन लिया है। इसमें हम थोड़ा सा ऑयल ब्रश कर लेते हैं। ऑयल ब्रश करने के बाद ऊपर से हम डाल देते हैं एक बटर पेपर। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप A4 साइज की पेपर भी डाल सकते हैं, पर कोई भी प्रिंटेड या फिर लिखा हुआ पेपर मत डालिएगा। ऊपर से फिर से हम थोड़ा सा ऑयल ब्रश कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारी केक टीन बनके रेडी हो गया है, तो इसे हम साइड पे रख देते हैं। और केक को बेक करने के लिए अब हम कढ़ाई को प्रीहीट कर लेते हैं। तो इसलिए मीडियम हीट में मैंने यहाँ पे एक बड़ा सा कढ़ाई रख दिया है, जिस कढ़ाई में मैं केक को बेक करने वाली हूँ। कढ़ाई के अंदर हम रख देते हैं एक स्टैंड और मीडियम हीट में हम इसे 5 मिनट तक गर्म होने देंगे। अगर आप माइक्रोवेव में केक को बनाते हैं तो 180 डिग्री में 5 मिनट के लिए माइक्रोवेव को प्रीहीट कर लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं 2 कप मैदा। मैंने इसी कप की मेजरमेंट से दूध लिया है और इसी कप की मेजरमेंट से मैंने मैदा भी ले लिया है 2 कप। डाल देते हैं 1/2 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर और 1/2 छोटा चम्मच बेकिंग सोडा। सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से छान लेते हैं। जब भी आप केक बनाएंगे तो याद से ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से छान लीजिए, इससे आपकी केक बहुत ही फ्लफी बनेगा। अब हम नेक्स्ट डाल देते हैं 1 कप पाउडर शुगर। आप चाहे तो नॉर्मल चीनी भी डाल सकते हैं, पर मैं यहाँ पे पाउडर शुगर के इस्तेमाल कर रही हूँ। तो पाउडर शुगर को भी हम अच्छे से छान लेते हैं। चीनी को छानने के बाद यहाँ पे जो शुगर की दाने आपको दिख रहा है छन्नी में, इसे हम केक में इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो इसे हम साइड पे रख देते हैं। ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और बीच में हम थोड़ा सा जगह बना लेते हैं जहाँ पे हम दूध और बटर के मिक्सर डालेंगे केक की बैटर बनाने के लिए। तो दूध और बटर के मिक्सर भी यहाँ पे हल्का सा ठंडा हो गया है और हल्का गर्म है, तो हल्का गर्म रहते ही हमें इसे इस्तेमाल करना है। थोड़ा थोड़ा करके हम दूध और बटर के मिक्सर डालेंगे और ड्राई इंग्रेडिएंट्स के साथ मिक्स करेंगे। तो दूध को हमें पूरी तरीके से एक ही टाइम में नहीं डालना है, बस थोड़ा थोड़ा करके डालना है और इसे मिक्स करते जाना है। केक की बैटर बनके यहाँ पे रेडी हो चुका है और कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है। तो इसमें अब हम और दूध नहीं डालेंगे। आप देख सकते हैं, ना ही बहुत ज्यादा पतला है और ना ही बहुत ज्यादा गाढ़ा है। परफेक्ट कंसिस्टेंसी है केक बनाने के लिए। इसमें हम डाल देते हैं 3 से 4 ड्रॉप्स वैनिला एसेंस और डाल देते हैं थोड़ा सा जायफल को ग्रेट करके। जायफल की फ्लेवर इस केक में ना बहुत ही बढ़िया जाता है, पर अगर आपके पास जायफल नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसे स्किप कर सकते हैं। तो बैटर के साथ हम इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं।
केक के लिए बैटर यहाँ पे रेडी है, पर इसमें हम डालेंगे और एक इंग्रेडिएंट्स जो केक को बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनाएगा। तो केक की बैटर रेडी है टीन में डालने के लिए, तो इस वक्त हम इसमें डाल देते हैं एक छोटा चम्मच विनीगर। विनीगर डालने के बाद हम बैटर के साथ इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं, पर बहुत ज़्यादा हम इसे बीट नहीं करेंगे, बस हल्के हाथों से हम इसे मिक्स करेंगे। तो विनीगर यहाँ पे बैटर में मिक्स हो गया है, तो चलिए अब हम इसे केक टीन में डाल देते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारी बैटर की कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है, तो ऐसा ही केक की बैटर की कंसिस्टेंसी होना चाहिए। केक टीन को हम थोड़ा सा टैप कर लेते हैं ताकि इसके अंदर कोई भी एयर बबल्स ना रहे। तो हमारी कढ़ाई भी प्री हीट हो गया है, तो चलिए अब हम कढ़ाई के अंदर केक टीन को रख देते हैं। तो इसे हम लो टू मीडियम हीट में 50 मिनट तक बेक होने देते हैं। अगर आप माइक्रोवेव में बना रहे हैं तो 180 डिग्री सेल्सियस में 40 मिनट के लिए बेक कर लीजिए। और यहाँ पे जो होल है ना, इसे हमें बंद कर देना है, नहीं तो केक ठीक से बेक नहीं होगा। तो 50 मिनट के बाद हम चेक करेंगे कि हमारी केक अच्छे से बेक हुआ है कि नहीं। 50 मिनट हो गया है, तो चलिए हम चेक कर लेते हैं कि हमारी केक अच्छे से बेक हुआ है या फिर वो अंदर से कच्चा है। तो यहाँ पे मैंने एक स्टिक ले लिया है और इसे हम केक के अंदर डाल देते हैं। अगर ये क्लीन आया तो इसका मतलब केक अच्छे से बेक हो गया है। तो ये देखिए, ये बिल्कुल क्लीन आया है, तो केक यहाँ पे बेक हो गया है। फ्लेम को हम स्विच ऑफ कर देते हैं और केक टीन को हम बाहर निकल के रख देते हैं। केक यहाँ पे काफ़ी गर्म है, तो इसे हम अभी अनमोल्ड नहीं करेंगे। हम इसे 5 से 10 मिनट के लिए रख देते हैं ताकि केक पूरी तरीके से ठंडा हो जाए। केक यहाँ पे पूरी तरीके से ठंडा हो गया है, तो एक चाकू के मदद से हम किनारों से केक को लूज कर देते हैं ताकि केक इजीली अनमोल्ड हो जाए। यहाँ पे मैंने एक प्लेट ले लिया है और प्लेट के ऊपर हम केक टीन को रख देते हैं और इसे हम पलट देते हैं। ऊपर से हम थोड़ा सा टैप कर लेते हैं ताकि केक हमारी प्लेट में आ जाए। तो ये देखिए कितनी आसानी से केक जो है वो अनमोल्ड हो गया है। बटर पेपर को हम खोल लेते हैं, देखिए कितना बढ़िया कलर आया है और केक कितनी अच्छे से बेक हुआ है देखिए, और काफी सॉफ्ट और फ्लफी भी बना है हमारी केक। और देखिए केक यहाँ पे कितने अच्छे से टीन से निकल के आया है। तो चलिए अब हम केक की कटिंग करते हैं और गर्मा गर्म चाय के साथ इसे हम इंजॉय करते हैं। तो ये केक ना गर्मा गर्म चाय के साथ आप सुबह को और शाम को ले सकते हैं, बहुत ही बढ़िया लगता है खाने में। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कितना आसान है, घर पे ही आप फ्लफी और स्पॉन्जी केक बना सकते हैं, वो भी एक कप गर्म दूध से। तो जल्दी से आप भी इस रेसिपी को अपने घर पर बनाएं और मुझे कॉमेंट करें कि आपको मेरी ये केक की रेसिपी कैसा लगा है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कॉमेंट करें, और मेरी चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।